के खिलाफ जंग में रूस अपने सबसे घातक हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन की नौसेना ने आरोप लगाया कि रूस ने यूक्रेन पर गैस ग्रेनेड से हमला किया, और वहीं दावा यह भी किया गया कि इस हमले के लिए रूस ने चोरी छुपे ड्रोन का इस्तेमाल किया और तबाही मचाने की कोशिश की। रूस यूक्रेन युद्ध में बम बरसे, मिसाइलों की गरज सुनाई दी। टैंकों का दम दिखा। ड्रोन। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। से दुश्मन देश को डराने की कोशिश की गई, यानी हर उस हथियार को इस युद्ध में उतना घातक बनाकर पेश किया गया जितना सिर्फ उसके आंकड़ों में जिक्र था। महायुद्ध के बीच अब यूक्रेन ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। यूक्रेन का दावा है कि जंग में रूस ने जहरीली गैस से बने ग्रेनेड का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन की नौसेना ने आरोप लगाया है कि रूस की सेना ने डोनेत्स्क इलाके में K-51 केमिकल ग्रेनेड से अटैक किया। रूस और यूक्रेन के पास ऐसे ड्रोन हैं जो दुश्मन के ठिकानों को खोजकर नष्ट करने में सक्षम है। रूस के ड्रोन यूक्रेन के संवेदनशील ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। अब तक विस्फोटक से लैस ड्रोन को रूस इस जंग में इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब यूक्रेन केमिकल और गैस वाले ग्रेनेड से उस पर अटैक करने का आरोप लगा रहा है। दावा है कि ड्रोन के जरिए इस जहरीले ग्रेनेड को यूक्रेन की जमीन पर गिराया गया और तबाही मचाने की कोशिश की गई। गनीमत ये रही, ग्रेनेड नहीं फटा और जिंदा ग्रेनेड ने रूस की पोल खोल दी। खबर पर आगे बढ़े उससे पहले आपको बताते हैं कि जहरीली गैस वाली ये ग्रेनेड कितने घातक होते हैं और इनसे क्या क्या नुकसान हो सकता है। K-51 रूस का जहरीली गैस से भरा ग्रेनेड है जिसका इस्तेमाल दंगाइयों को तितिर बितिर करने के लिए होता है। K-51 16 सेकंड तक चलता है और तेज धुआं पैदा करता है। गैस के चलते ग्रेनेड फटने के बाद आंखों में जलन होने लगती है। जिस जगह ग्रेनेड फटता है वहाँ लोगों में बेचैनी शुरू हो जाती है। मजबूरन लोगों को इलाका छोड़कर भागना पड़ता है। दम घुटा देने वाली गैस के चलते इलाके में भगदड़ मच जाती है। यूक्रेन का दावा है कि रूस इसके जरिए यूक्रेन की सेना में भगदड़ मचाने की फिराक में था। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने महायुद्ध में केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया जो कि नियमों के खिलाफ है। ऐसे में युद्ध के बीच में रूस का नियमों के खिलाफ जाना क्या इशारा करता है? क्या महायुद्ध में पुतिन की सेना कमजोर पड़ रही है? क्या रूस के बारूद खाने में कमी होने लगी है? केमिकल वेपन से पुतिन जंग जीतना चाहते हैं। अमेरिका ने पहले ही जंग में रूस की तरफ से केमिकल वेपन के इस्तेमाल की बात कही थी। अमेरिका ने दावा किया था कि कई मोर्चों पर फेल रूस की सेना जंग में केमिकल वेपन से हमला कर सकती है, और इस दावे के कुछ दिनों के अंदर ही जहरीले ग्रेनेड से अटैक की तस्वीर सामने आई जो पुतिन के वेपन अटैक न करने वाले दावों पर सवालिया निशान खड़े कर रही है।